सो हेलो एंड हाई गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे एंड आगे भी बढ़िया ही रहने। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट के बारे में एंड सारे के सारे न्यू चीट कोड और RGS टूल के सारे चीट कोड को बताऊंगा जो कि न्यू अपडेट में आए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, तभी सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। एंड जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं एक नॉर्मल वर्ल्ड में हूँ और ये अपनी नॉर्मल सिटी है, जैसा कि आप लोगों के गेम के अंदर भी हुआ करती है। और ये एक नॉर्मल वर्ल्ड है एंड यहाँ पर मैं इंटरनेट वाला फाइल ओपन करके यहाँ पर मैंने एक मतलब सिटी का लिंक पेस्ट किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइल लोड हो चुका है एंड जैसे ही मैं यहाँ पर बैक करूँगा तो मैं एक ऐसे वर्ल्ड में पहुँच जाऊँगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं एक ऐसे वर्ल्ड में पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मतलब सिर्फ अपना घर है और इसको मतलब हम लोग डिस्ट्रॉय सिटी बोलते हैं। मतलब इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके इस लिंक को कॉपी करके एंड अपने इंटरनेट वाले फाइल में पेस्ट कर देना। उसके बाद में आप लोगों को भी ये वाली सिटी मिल जाएगी। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, अभी मैं ड्रोन शूट करने वाला हूँ तो उसके लिए हमें मतलब RGS टूल के अंदर ड्रोन ऑन टाइप करना है। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा ड्रोन ऑन हो चुका है एंड इस तरह से हम लोग ड्रोन शूट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हमें एक जॉयस्टिक बटन मिलेगा जिसकी हेल्प से हम लोग ऊपर नीचे या आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मेरा एक घर है, बाकी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मतलब डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, हमारा यहाँ पर अपना खुद का एक घर ही है और इसकी हेल्प से हम लोग अपना यहाँ पर खुद का वर्ल्ड बना सकते हैं। एंड वो कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें नॉर्मल होने के लिए यहाँ एरो वाले बटन पे क्लिक करना है एंड हम लोग वापस से नॉर्मल हो जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरे सामने कोई भी ग्राउंड वगैरह नहीं है। अगर यहाँ से मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं सीधा इन्फिनिटी पे जाके गिरूंगा। तो यहाँ पर ग्राउंड लगाने के लिए हमें अपना RGS टूल के अंदर टाइप करना है S5 एंड जैसे ही आप लोग S5 डायल करोगे तो हमारे सामने ये ग्रास वाला ग्राउंड आ जाएगा। एंड गेम के अंदर ऐसे कई सारे ग्राउंड ऐड किए गए हैं जिनके चीट कोड मैं आप लोगों को बताऊंगा। मतलब वो चीट कोड नहीं है, RGS मोड के अंदर ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर ग्रास वाले के लिए हमें S5 डायल करना होगा एंड S6 डायल करने के बाद आप लोगों के सामने ये वाला ग्राउंड आएगा, मतलब ये मिट्टी का ग्राउंड है। एंड फिर आप लोगों को डायल करना है S7 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर S7 डायल करोगे तो यहाँ पर हमें मतलब सैंड वाला ग्राउंड देखने को मिलेगा। मतलब इसके बाद में हमें यहाँ पर डायल करना है S8 एंड S8 डायल करने के बाद हमें स्टोन का ग्राउंड देखने को मिलेगा। एंड गाइस अब आप लोगों को RGS टूल के अंदर टाइप करना है S9 एंड जैसे ही आप लोग S9 डायल करोगे तो आप लोगों को एक ग्राउंड देखने को मिलेगा जिसके अंदर अपना पुलिस स्टेशन भी है। मतलब आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो इसी ग्राउंड के अंदर अपना पुलिस स्टेशन भी बनाया गया है। एंड गाइस अब मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉप्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आप लोगों को RGS टूल के अंदर टाइप करना है M1 एंड जैसे आप लोग M1 टाइप करोगे तो यहां पर आप लोगों को एक रेड कलर में लोकेशन सा दिखने वाला चीज देखने को मिलेगा एंड इसका वर्क क्या है मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूं। एंड गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास है निंजा H2R, मतलब अपने पास एक बाइक लेनी है एंड इस लोकेशन वाले को क्रॉस करते हुए जाना है। मतलब इसके ऊपर बाइक को चढ़ाते हुए हमें आगे निकल जाना है एंड अब मैं जाके गिर चुका हूं इन्फिनिटी में। एंड जैसे ही आप लोग यहां पर स्लो मोशन वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आप लोग दोबारा से उसी लोकेशन पर आ जाओगे जहां पर ये रेड कलर का लोकेशन वाला प्रॉप रखा हुआ है। एंड गाइस ये लोकेशन वाला प्रॉप हेल्प करेगा हमें मिशंस को बनाने के लिए। सो अब हमें यहाँ पर टाइप करना है M2 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर M2 टाइल करोगे तो यहाँ पर एक फिनिश वाला प्रॉप आ जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एक फिनिश वाला प्रॉप स्पॉन हो चुका है एंड ये भी हमें मतलब हेल्प करेगा, मतलब मिशंस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अब आप लोगों को टाइप करना है M3 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर M3 टाइप करोगे तो यहाँ पर एक स्टार्टिंग का प्रॉप आ जाएगा जहाँ से हम लोग मिशंस को स्टार्ट करके और फिनिश करेंगे। तो ये तीन प्रॉप हमें मिशंस को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और, आप लोगों ने गेम के अंदर ट्रीज तो बहुत सारे देखे होंगे पर क्या आप लोगों ने ग्रास देखा है? तो हमें ग्रास को स्पॉन करने के लिए यहाँ पर टाइप करना होगा T7 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर T7 टाइप करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने काफी सारे ग्रास स्पॉन होंगे जिनका यूज आप लोग गार्डन बनाने में कर सकते हो या फिर घर को डेकोरेट करने में भी इनका यूज आप लोग कर सकते हो। एंड गाइस गेम के अंदर एक काफी ज्यादा हेल्पफुल चीज ऐड हुई है, यहाँ पर हमें टाइप करना है W1 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर W1 टाइप करोगे, मुझे पता है कि ये पहले से ऐड था बट इसकी लेयर्स गेम के अंदर ऐड हो चुकी हैं। मतलब पहले हमें यहाँ पर वॉल को सेट करना पड़ता था, एक एक वॉल को लगा के इसके ढेर सारे लेयर्स बनाने पड़ते थे, मतलब दीवार को लंबा करने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ता था। पर अब आप लोगों को यहाँ पर सिंपली डायल करना है W4 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर W4 टाइप करोगे तो यहाँ पर 5 वॉल्स के लेयर मतलब आ जाएंगे गेम के अंदर। यहाँ पर 5 वॉल्स आप लोगों को जुड़े हुए मिलेंगे एंड इसकी हेल्प से हमें ज़्यादा मतलब वॉल्स को जोड़ना नहीं पड़ेगा। एंड आप लोगों को यहाँ पर फिर टाइप करना है W5 एंड आप लोग जैसे ही W5 टाइल करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को ईट की वॉल देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे टाइप करना है W6 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर W6 टाइप करोगे तो आप लोगों को W3 से स्पॉन होने वाली वॉल की लेयर देखने को मिल जाएगी।
एंड गाइस गेम के अंदर एक अमेजिंग सा टूल ऐड हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को आरजेस टूल के अंदर टाइप करना है H11 एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पर H11 टाइप करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को वेयर हाउस देखने को मिल जाएगा। एंड आप लोगों ने इसको कहीं ना कहीं देखा होगा, आई थिंक आप लोगों ने इसको एयरपोर्ट पे देखा है। एंड गाइस न्यू अपडेट में एक रैंप ऐड हुआ है जिसको स्पॉन करने के लिए हमें आरजेस टूल के अंदर R5 डायल करना है एंड ये रैंप स्पॉन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले मोड ऑन कर लेता हूँ एंड उसके बाद में मैं इसको ऊपर करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये ऊपर करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है एंड इस रैंप की हेल्प से हम लोग अपने मिशंस को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस अब बारी है लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग की, तो ये है हमारा रोड एंड यहाँ पर आप लोगों को S1 टाइप करना है एंड ये रोड स्पॉन हो जाएगा। एंड गाइस ऐसे ही आप लोगों को S2, S3 एंड S4 टाइप करना है एंड ये सारे के सारे रोड स्पॉन हो जाएंगे। एंड गाइस इनकी हेल्प से हम लोग अपने सिटी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा और अगर आप लोगों को चीट कोड से रिलेटेड या फिर कुछ और इशू है तो आप लोग मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो या फिर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट के और इंस्टाग्राम पर किए गए मैसेज के रिप्लाई जरूर से जरूर करूंगा।